हेलो एंड वेलकम बैक। मैं अभय, एक कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यदि हमारी आंख में कुछ चला जाए, कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल चला जाए, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आँख हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, साथ ही बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, क्योंकि हमारी आँख के पास कोई भी चीज़ जाती है तो हमारी पलकें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। ऐसे में यदि हमारी आँख के अंदर कुछ चला जाए, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो धूल उड़ती रहती है, तो धूल के पार्टिकल हो गए, या फिर किसी तरह का कीड़ा हो गया, मच्छर हो गया, या फिर आप कोई काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं तो लोहे का बुरादा हो गया, या फिर चूना हो गया, या फिर आँख में किसी भी तरह की कोई पत्ती लग जाए, या फिर पत्ती का कोई टूट करके कड़ चला जाए, तो फिर आप उसे कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती है। साथ ही जिसकी आँख में पार्टिकल गया होता है तो उसकी आँख में जलन होने लगती है, गड़न होने लगती है, साथ ही लगातार आँख से आंसू आते लगते हैं, और धूप में उस व्यक्ति की आँख नहीं खुलती है, और पलकें ब्लिंक होने पर बहुत ही ज़्यादा पेन करने लगती है, साथ ही आँख बिल्कुल लाल हो जाती है। तो ये सारे लक्षण उस व्यक्ति को होने लगते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आपकी आंख में पार्टिकल चला जाए तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी आंखों को रगड़े नहीं, उसको मसले नहीं, क्योंकि रगड़ने और मसलने से आपकी पुतली पर, आपकी कॉर्निया पर खरोंच आ सकता है, और खरोंच की वजह से आपकी आंख में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट नंबर पर, उस पार्टिकल को निकालने के लिए आप गंदे हाथों का यूज ना करें, क्योंकि गंदे हाथों की वजह से भी आँख में इन्फेक्शन हो जाता है। साथ ही किसी भी तरह की कोई नुकीली चीज़ ना यूज करें, जैसे कि चिमटी हो गई, या फिर घर में किसी तरह का बर्तन हो गए, ये सब चीज़ों का यूज ना करें, क्योंकि इनसे घाव होने के भी चांसेस हो जाते हैं। साथ ही काटन का यूज ना करें, रुई का यूज ना करें, क्योंकि रुई का यूज करने से काटन के भी पार्टिकल आपकी आँख में रह सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही कुछ दवाएँ हैं, उनका यूज नहीं करना है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन हो गया, डेक्सिन हो गया, मॉक्सी डी हो गया, सिप्लॉक्स डी हो गया, जो भी स्टेरॉइड दवाएं हैं उनको अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी आँख में कोई पार्टिकल चला जाए तो ये फिर नहीं यूज करना, या फिर ये सब चीज़ें नहीं फॉलो करनी है। अब बात करते हैं कि आपकी आँख में यदि कुछ चला जाए, कोई बाहरी पार्टिकल चला जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, साथ ही उस बाहरी पार्टिकल को आप किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धुल लीजिए। अगर वो पार्टिकल दिख रहा है तो आप अपने हाथों से निकाल सकते हैं। यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो किसी भी बाहरी व्यक्ति के पास जा कर के, या फिर जो भी पास में व्यक्ति है उससे निकलवा सकते हैं। साथ ही आप साफ पानी से आँख में छींटे मारिए, हो सकता है छींटे मारने से वह पार्टिकल बाहर आ जाए। अगर पार्टिकल आपको दिख नहीं रहा है और लग रहा है कि आपकी पलकों पर है, तो आप पलकों को पलट करके आसानी से देख सकते हैं। अगर वो पार्टिकल दिख रहा है तो आप उसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप किसी बड़े बर्तन पर पानी भर करके, आँखों को डुबो करके, उसमें आँखों को खोलिए और बंद करिए, साथ ही आँखों को चारों तरफ रोटेट करिए, जिससे कि वो पार्टिकल आपका आसानी से निकल सकता है। इसके अलावा आप करवट लेकर के लेट जाइए, जिस साइड आपका पार्टिकल गया है उस साइड आप करवट लेकर के लेट जाइए, और उस पार्टिकल पर पानी डालिए, या फिर किसी इंजेक्शन से पानी डाल सकते हैं, जिससे कि वो पानी के प्रेशर से पार्टिकल निकल सकता है। अगर इतना सब करने के बाद भी वो पार्टिकल नहीं निकलता, आँख में चिपका रहता है, तो यह प्रॉब्लम आपको और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके लिए जितना जल्दी हो सके आप किसी आई स्पेशलिस्ट से मिलिए और वो पार्टिकल आप निकलवा लीजिए, जिससे कि आपके प्रॉब्लम बढ़ने के चांस ना रहें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो, आई की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू, टेक